हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने सारी के कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के सारे एग्जांपल्स हमने अच्छे से सोल्व कर दिए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके, और थ्योरम्स कौन कौन से होते हैं उसमें। आज ये लेक्चर में क्या देखना है, डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और उसके थ्योरम्स कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल सीरीज हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। सपोज f इज अ रियल फंक्शन एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। इतना चीज तो हमने कंटिन्यूटी में भी देखा था कि f x रियल फंक्शन होता है और c एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं उसके डोमेन में। तो कंटिन्यूस कब बनता था वो हमने पहले देखा था। अब इसमें डेरिवेटिव क्या, द डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिफाइंड बाय, f का डेरिवेटिव c पे क्या हो सकता है, तो उसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है, बाय डेफिनेशन फॉर्मूला। अगर मैं सी पे बोलूं, अभी सिर्फ इतना लिखे, लिमिट एच टेंड्स टू, अगर आप एच पे बोलते हो तो आपको इस तरह से लिखना है, लिमिट सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। सो अगर आपने डिफरेंशिएशन 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है तो उसका एक बाय डेफिनेशन फॉर्मूला था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहां पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। सो ये फॉर्मूला क्या दिखाता है, ये फॉर्मूला ये दिखाता है कि आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो एफ, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, एफ का डेरिवेटिव सी पे यही फॉर्मूला से डिफाइन हो सकता है अगर ये एग्जिस्ट करता है। आपको सबसे पहले एफ सी प्लस एच फाइंड करना है, एफ सी फाइंड करना है, और उसको अगर ये लिमिट में हम पुट कर दें तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर इफ आवर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी, यहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं। अगर हम बात करें इंटरवल की, अगर मैं ए एंड बी इंटरवल ले लूं, तो कंटिन्यूटी क्या कहती थी कि आपका फंक्शन ये ए और बी के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहां पे भी सेम चीज ही है, ए और बी के सारे पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, इंक्लूडिंग ए एंड बी पॉइंट आल्सो, तो ही आपका फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंशिएबल होता है। सो ये डिफरेंशिएबिलिटी का ओवरव्यू हुआ, ये बाय डेफिनेशन फॉर्मूला हुआ, इसको प्रिंसिपल फॉर्मूला बी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल फॉर्मूला बी कहते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव का प्रिंसिपल फॉर्मूला है। डेरिवेटिव के आगे डेरिवेटिव के कितने फॉर्मूला होंगे, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। ये डेरिवेटिव का प्रिंसिपल फॉर्मूला है, ये ही फॉर्मूला से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम्स। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग थ्योरम नंबर 3। सो ये थ्योरम क्या कहता है, इफ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, then it is also continuous at that point। अगर एक फंक्शन c पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पर कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा थ्योरम हम बाय डेफिनेशन फॉर्मूला से हम प्रूव करेंगे। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f, वो c पे डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखें, तो f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब आप किसी का डिफरेंशिएशन लिखते हो तो आपको ऊपर डैश लिखना होता है, f डैश c क्या होगा, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ओके, सॉरी एफ एक्स माइनस एक्स सी। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर मैं यहां पे लिमिट चेंज कर देता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे चीजें वैल्यूज आप यहां पे पुट करनी है, तो वही हमारा वापस पुराना फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो पुराना फॉर्मूला लिखा था बाय डेफिनेशन फॉर्मूला, वही यहां पे अगर मैं लिमिट चेंज कर देता हूं, मैं एच टेंड्स टू जीरो पुट कर देता हूं, तो वही पुराना फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है। सो यहां पे हमें ये प्रूव करना है, सबसे पहले मैं एफ एक्स माइनस एफ सी क्या है, इसको हम यहां अलग से लिखे, एफ एक्स माइनस एफ सी दोनों फंक्शन है हमारे पास,
सपोज मैं उसको x माइनस सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने क्या किया, x माइनस सी से उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। अब यहां बात आती है लिमिट की, क्योंकि हमें चेक c पे करना है, एट पॉइंट c, हमें कोई h पे चेक नहीं करना है, h टेंड्स टू जीरो नहीं बनाना है उसे, क्योंकि c से कम c से ज्यादा नहीं करना है, c पे चेक करना है। तो यहां पे मैंने लिमिट c की ली है, ठीक है, यहां पे लिमिट। अब दोनों तरफ हम लिमिट लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू c, मैं यहां पे ले लेता हूं एफ एक्स माइनस एफ सी पे, यहां पे मैंने लिमिट ली, वही सेम लिमिट में राइट हैंड साइड लूंगा, क्या किया है यहां पे, कुछ नया कुछ नहीं किया है, दोनों तरफ मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू c। अभी लिमिट का रूल है, लिमिट दोनों के लिए मल्टीप्लाई होती है, दोनों के लिए हमें सेपरेटली लिखना होता है, तो हमने यहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c फॉर एफ एक्स, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू c फॉर एफ सी। समझ में आया, ये लिमिट मैंने दोनों के लिए लिखा, सेम यहां पे भी ये लिमिट दोनों के लिए लिखा जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू c फॉर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट x टेंड्स टू c फॉर x माइनस सी, ये लिमिट मैंने दोनों के लिए लिखा। अब सिंपली आपको लिमिट की वैल्यू आपको पुट करनी होती है फंक्शन में, तो आप देखिए यहां पे ये c की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं x की जगह पे, x टेंड्स टू c मीन्स c की वैल्यू, x की वैल्यू c, मैं x की जगह पे पुट कर दूं, देन c माइनस सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो ये सारे की सारी चीज क्या हो जाएगी, यहां पे जीरो हो जाएगी, ये पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, ये यहां पे नेगेटिव है, वो अगर उस तरफ जाता है राइट हैंड साइड जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c, यहां क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स, सी की वैल्यू में फंक्शन में पुट करूंगा, c की वैल्यू में एफसी में पुट करूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे यहां पे क्या मिलेगा, c। सो एक चीज समझो, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन, ये जो पार्ट था ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये जो नेगेटिव पार्ट है जो राइट हैंड साइड जा रहा है तो वहां पे हो गया वो पॉजिटिव, c की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से हमें एक फंक्शन ही मिला। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू c फॉर फंक्शन, कोई भी फंक्शन के लिए अगर हम बात करें, अगर c के लिए हम बात कर रहे हैं, c के लिए चेक कर रहे हैं, तो वो फंक्शन c पे भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। वही चीज यहां पे, फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट c, अगर एक फंक्शन c पे डिफरेंशियबल होता है तो वो कंटिन्यूस भी होता है c पे, अगर एक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो c पे कंटिन्यूस है, c पे डिफरेंशियबल है तो वो c पे कंटिन्यूस भी होता है, ठीक है। सो ये थ्योरम में जो पूछा जाता है, सो नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, चेन रूल। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो यहां पे सबसे पहले चेन रूल समझने से पहले कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, एक एग्जांपल से समझे। मैंने यहां पे लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन मतलब दो फंक्शन से बना हुआ। सपोज मैं यहां पे दो इसको स्प्लिट कर रहा हूं एफ एक्स एन जी एक्स में, दोनों फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, एक है साइन एक्स और एक है एक्स स्क्वायर। दोनों फंक्शन को ध्यान से देखो, दोनों फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है कि दिस इज एफ ऑफ जी एक्स है, दिस इज एफ ऑफ जी एक्स है। एफ ऑफ जी एक्स मीन्स वॉट, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ एक्स में जी एक्स फंक्शन की वैल्यू डाली गई है, कहां पे, एक्स की जगह पे। ये एक्स स्क्वायर को मैं एक्स की जगह पे रख दू तो ये बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी एक्स है ये, ठीक है। अगर ये मैं इसको यू एक्स बोलू तो यू एक्स हमारा क्या मिला, एफ ऑफ जी एक्स,
तो एक टोटल फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन से बन रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये कंपोजिट फंक्शन है। और जब भी एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना होता है तभी आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हो। चेन रूल इज अ थ्योरम नंबर फोर। सो देखें, चलो एक फंक्शन लेते हैं एफ। इफ एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मेड बाय एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो दो अलग अलग फंक्शन से बनता है, मेड बाय टू फंक्शन यू एंड वी। चलो एफ एक फंक्शन है जो दो अलग अलग फंक्शन से बन रहा है, यू एंड वी से एफ। सो मैं इसको वी ऑफ यू लिख सकता हूं। वी ऑफ यू मीन्स वॉट? वी ऑफ यू मीन्स वी ऑफ यू एक्स। देखो जब भी कंपोजिट फंक्शन की बात होती है तब वो एक फंक्शन इस तरह से ही लिखा जाता है, एक का एक, एक का दूसरा, वी ऑफ यू एक्स। अब आपको एक वैल्यू कंसीडर करनी है। सपोज मैं यू एक्स इज इक्वल टू टी कंसीडर कर रहा हूं, आपके बुक के अकॉर्डिंग यू एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या कंसीडर कर लिया यहां पे टी, तो अब ये क्या बन गया वी टी। अब ये वी इन द फॉर्म ऑफ टी बन गया, क्या बन गया फंक्शन। तो हमारा फंक्शन बन गया वी टी। तो हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन, हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका? फंक्शन का। द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन हमें फाइंड करना है। देखो डेरिवेटिव को इस तरह से लिखा जाता है, तो किस तरह से होगा? सबसे पहले एक चीज क्लियर करो, आपका जो वी है वो टी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है और आपका जो टी है वो एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ये चीज चेन रूल में अच्छे से ध्यान में रखनी है आपको। जैसे कि अगर मुझे वी का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कौन से रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? टी के। तो मैं यहां लिखूंगा डी बाय डी टी, तो हो गया डीवी बाय डी टी। अब बात होगी, अब टी जो है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगर मुझे टी का डिफरेंशिएशन करना है तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जो होगा डी बाय डी टी बाय डी एक्स। तो ये जो बन रहा है ये इसको कहते हैं ये लोग चेन रूल। ये चेन क्रिएट होती जाएगी। यहां पे दो फंक्शन है, दो कंपोजिट फंक्शन में दो है, तो यहां पे दो चेन क्रिएट हुई। अगर तीन होते तो तीन चेन क्रिएट होती, एक और वेरिएबल आपको सपोज करना पड़ता। तो चेन रूल इस तरह से बनता है और चेन रूल से ही आप अलग अलग डेरिवेटिव्स को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जांपल्स देते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरह से एग्जांपल्स चेन रूल से सोल्व होते हैं। सुनाओ डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा समझे। पहले तो आप डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको पोज करके नोट कर देने हैं। ओके, सो डिफरेंशिएशन के लिए एक फंक्शन चाहिए। सपोज मैं एक फंक्शन है एफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स। समझ में आया? एक बार डिफरेंशिएशन किया तो एफ डैश हो गया, अगर दो बार करता हूं तो एफ डबल डैश हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपके जो कैलकुलस पार्ट है उसमें एफ एक्स को मोस्टली ये लोग डिनोट करते हैं वाई से, वो लोग वाई से बताते हैं। तो वाई का डिफरेंशिएशन एक बार होता है तो उसे हम कहते हैं वाई डैश, और अगर वाई का डिफरेंशिएशन दो बार होता है तो उसे हम कहते हैं वाई डबल डैश। ठीक है, ओके, चलो ये तो डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू। y का डिफरेंशिएशन अगर एक बार हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं यहां बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन मैंने एक बार किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स हुआ y का, तो उसे हम कहते हैं dy वाई बाय डी एक्स। तो इसका मतलब ये तीनों का मतलब एक ही होता है अगर आप x के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो तो।
अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बात कर रहे हो तो ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। डबल डिफरेंशिएशन में क्या है, इसका भी एक बार क्या करो डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाय डी एक्स आपके पास ऑलरेडी है, उसका भी आपको एक बार और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो अब ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो ये डबल डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये लिखो या ये दोनों लिखो, सब सेम है। तो ये कुछ ओवरव्यू है डिफरेंशिएशन का, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला यहां पे ज्यादा कुछ है नहीं, सबसे पहले इन लोगों ने लिखा है u प्लस वी डैश प्लस माइनस वी डैश। u और v वो दोनों एक फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। अगर दोनों इस तरह से लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो u डैश प्लस माइनस v डैश, डिफरेंशिएशन आप सेपरेटली लिख सकते हो। दूसरा u v डैश लिखा हुआ है, u v डैश मतलब क्या, u और v दोनों फंक्शन एक दूसरे में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। देखो मैं डैश नहीं लिखता हूं, मैं चलो यहां पे लिख देता हूं d बाय डी एक्स, चलो सबको मैं x के फॉर्म में लिख देता हूं d बाय डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। फॉर्मूला याद रखने आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आएंगे आपको। सेम अगर u अपॉन v है, u अपॉन v है तो दो मेथड है, या तो फॉर्मूला याद रखो, या तो v को ऊपर लेके जाओ, v को न्यूमरेटर में लेके जाओ तो u v इनवर्स हो जाएगा, v की माइनस वन पावर हो जाएगी और इस तरह से उसको सोल्व करो। या तो फिर एक अलग फॉर्मूला है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। समझ में आया, या तो ये फॉर्मूला याद रखो, या तो v को ऊपर लेके जाओ, इसको बना दो u v इनवर्स, तो उसको वापिस ये पुराने फॉर्मूला से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूला है जो बार बार यूज होते हैं एग्जाम्पल्स में, आपको याद रखे हैं। वन मोर थिंग, आज एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, आज एक या दो एग्जाम्पल्स के थोड़े ओवरव्यू लेंगे, एग्जाम्पल सीरीज अलग से आएगी, ठीक है। सो अब चेन रूल से एक एग्जाम्पल सोल्व करें, कौन सा करें, वही पुराने वाला साइन एक्स स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहले तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन में जो ये पीछे होता है उसको हम एक वेरिएबल सपोज करते हैं। सपोज के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये आपका एक फंक्शन है। तो y क्या बन गया, y आपका बन गया sin t, हो गया कि नहीं हो गया, y आपका हो गया यहां पे sin t। अब तक हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो y का हो जाता है y डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, यहां पे वेरिएबल क्या है t, तो d बाय डी टी ऑफ sin t। समझ में आया, d बाय डी टी ऑफ साइन टी, और ये t का डिफरेंशिएशन वापिस पीछे करना पड़ता है, और t किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में, तो d बाय डी एक्स ऑफ t, ये एक चेन रूल अप्लाई किया हमें। वापिस समझे, y हमारे पास है साइन t, y का डिफरेंशिएशन माने साइन t का डिफरेंशिएशन, साइन टी में जो टी है वो वेरिएबल टी ही दिखा रहा है, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में ही होता है। अब यहां पे कोई भी एक जो चीज हो, चाहे यहां पे टी है, यहां पे एक्स स्क्वायर हो, यहां पे थीटा हो, यहां पे कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन वापस पीछे करना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में, जिसके बारे में हमने उसको सपोज किया है, टी को सपोज किया है एक्स से, तो डी बाय डी एक्स हम करेंगे टी का। चलो ठीक है, नाउ वाई डैश इज इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में साइन t, साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t। देखो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले वो याद रखो, ठीक है। अब d बाय डी एक्स, अब t क्या है एक्स स्क्वेयर, समझ में आ रहा है, t क्या है एक्स स्क्वेयर। अब ये cos t की जगह पे वापस मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है 2x।
तो ये आपका आंसर आया। चेन रूल से इस तरह से आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मेथड भी कह सकते हैं। देखो डिफ्रेंसिएशन सोल्व करने की दो मेथड होती है, एक बाय डेफिनेशन मेथड जो पुराने वाला मैंने फॉर्मूला लिखा वो, और एक ये मेथड। ये मेथड सबसे इजी है। तो डिफ्रेंसिएशन में डिफरेंशिएबिलिटी इस तरह से आपको चेक करनी है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल आज के लिए। y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3। देखो फंक्शन जो आपके सामने रहेगा वो कंपोजिट फंक्शन ही रहेगा, अगर सिंपल होता तो फॉर्मूला में आ जाता 10 समथिंग। अगेन लेट 2x प्लस 3 को हम सपोज कर ले यहां पे क्या t, तो आपका फंक्शन क्या बन गया 10t, बन गया कि नहीं बन गया। अब इसका करें डिफरेंशिएशन, तो y का होता है y डैश, यहां पे हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में किसका, 10t का, और ये t है उसका भी पीछे डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में t का क्यों होता है, क्योंकि t इन द फॉर्म ऑफ x ही है। 10t का डिफरेंशिएशन होता है sec square t, और d by dx ऑफ t, t क्या है 2x प्लस 3। sec square t की वैल्यू अगेन 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, t 3 कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, x अकेला है उसका 1, बचेगा सिर्फ यहां पे 2, तो 2 को मैं आगे लिख देता हूं। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो इस तरह से डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन आपको करने हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल सीरीज कल आएगी, उसमें आप हम एग्जांपल्स अलग अलग लेंगे, फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे। देखते रहिए, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।